संबंधे तालुका दूध उत्पादन प्रक्रिया संघाची दर्जेदार उत्पादन राजहंस दूध, राजहंस सुगंधी दूध, दही, ताक, दूध, लस्सी, चीज, खवा आणि पेढ्या सोबत राजहंस श्रीखंड, आम्रखंड, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, सोनपापडी, अंजीर मलई आणि मँगो बर्फी, मँगो ड्रिंक, राजहंस अक्वा, राजहंस शुद्ध सात्विक पौष्टिक कवितानंद। अहमदनगर येथील नेप्तीनाका बायपास जवळ कोतवाली पोलिसांनी आंध्र प्रदेश येथून राजस्थानकडे जाणाऱ्या तब्बल 53 लोकांना ताब्यात घेतलंय। तर सुरक्षेच्या दृष्टीने त्यांच्या हातावर क्वारंटाईनचा शिक्का मारून त्यांची विलगीकरण कक्षामध्ये रवानगी करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी दिली आहे। कोरोना सारख्या विषाणूचा सामना करण्यासाठी महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशामध्ये संचारबंदी लागू झाली आहे। प्रत्येक जिल्ह्याच्या सीमा बंद करण्यात आल्या आहेत। असं असताना देखील आंध्र प्रदेश मधून अहमदनगर मार्गे राजस्थानकडे तब्बल 4 गाड्यांमध्ये 53 जण जाताना पोलिसांना मिळून आले। आम्ही सर्व मजूर आहोत, आम्ही आंध्र प्रदेश मध्ये काम करून उदरनिर्वाह करतो, मात्र कोरोना सारखा विषाणू पसरल्यामुळे आम्हाला तिथल्या घरमालकांना घर सोडून जाण्यास सांगितल्यामुळे आम्ही आमच्या गावाकडे म्हणजे राजस्थानला चाललो आहोत, अशी प्रतिक्रिया या नागरिकांनी दिली आहे। आंध्रा से निकले हैं, राजस्थान जा रहे थे, 2-3 दिन हो गए निकले हैं, बहुत परेशान है, बच्चे लोग भी साथ में, खाने भी नहीं खा रहे बच्चे लोग भी। तो आपका घर कहाँ है? राजस्थान में। तो आप आंध्रा में क्या कर रहे थे, सब डिटेल में बताइए। अभी राजस्थान आंध्रा में हम वो मजदूरी का काम कर रहे है, वो अभी पूरा क्लोज हो गया, इसलिए पूरा टाइट हो गया, घर जा रहे खाने पीने पैसा का भी प्रॉब्लम है, वो डीजल डाल करके पूरा गाड़ी लेके आए, पूरा इतना मिला के पैसा होता तो पूरा पर्सनल गाड़ी करके लेके आते। वही अभी पुलिस ने पकड़ा है। हाँ, पुलिस ने पकड़ रखा है, वो स्टाम्प डालने का बोल रहे हैं, स्टाम्प डालेंगे 15 दिन के देर रहेंगे। हम मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करने वाले हैं, वहाँ मजदूरी कर रहे थे, काम काज सब बंद हो गया, हमारे पास खाने पीने के पैसे नहीं है, हम 3 दिन से भूखे हैं, और गाड़ी वाला फ्रेंड था, रिक्वेस्ट करके तेल डाल के गाड़ी लेके आए हैं, यहाँ हमको पकड़ लिया है, जाने नहीं दे रहे हैं, हम 3 दिन से भूखे हैं। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम कड़पा आंध्रा में मजदूरी कर रहे थे, वहाँ से राजस्थान घर जा रहे हैं वापस। तो आप आंध्र प्रदेश से कब निकले? हमको 3 दिन हो गया निकले सो। तो ये 3 दिन में ये जो संचारबंदी अभी चालू है, पूरा देश लॉकडाउन हुआ है, तो आपको खबर नहीं थी इसके आगे? खबर थी, हमारे को पीछे से चेक करके आने दिया है, हम रिक्वेस्ट करके चेक करके जाने दिया, खाने पीने का पैसा नहीं है हमारे पास, हम 3 दिन से भूखे हैं, रिक्वेस्ट किया, हमारे को आगे छोड़ा, उधर से हम इधर आए अहमदनगर में, इधर हमारे को पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस चौकी में हम खड़े हैं, हाथों पे स्टाम्प लगा रहे हैं। हाथों पे स्टाम्प भी लगा रहे हैं? हाँ। क्या कह रहे हैं? अभी तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे को इधर ही रहना है, कहीं जाने नहीं देंगे। दरम्यान कोतवाली पोलिसांनी या सर्व 53 लोकांना ताब्यात घेतलं असून त्यांच्या हातावर क्वारंटाईनचा शिक्का मारून त्यांची विलगीकरण कक्षामध्ये रवानगी करण्यात आली असून गरज पडल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्यानंतर त्यांना सरकारी दवाखान्यात क्वारंटाईन करून देखील ठेवण्याची शक्यता असल्याची माहितीही पुढे आली आहे। दीपक कासवासह शुभम पाचरणे, सी न्यूज मराठी, अहमदनगर।